उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु 14 से 31 अक्टूबर तक छेड़े गए राज्यव्यापी सुरक्षा की विकेट कोरोना से मुक्ति अभियान की चंबा जिला में विधिवत तरीके से लॉन्चिंग की। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रचार सामग्री और चंबियाली भाषा में तैयार गीत का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए 3 उपाय मास्क पहनना, हाथ धोना व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियाती उपायों व सावधानियां बरतकर ही बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। उन्होंने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में जुटे डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रयासों की भी सराहना की। इस मौके पर SDM सदर शिवम प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण हितशी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहन सिंह और BMO पुखरी डॉक्टर मान सिंह भी मौजूद रहे। इसके लिए मैं आप सबको बार बार धन्यवाद करता भी रहा हूँ और प्रशासन की तरफ से हम आपको बार बार आपके जितने आभारी रह सकते हैं हम आपको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। अब आपके माध्यम से हम ये जो इस बार कैंपेन है रिगार्डिंग जो स्टेट वाइड कैंपेन है जिसका आज डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर जो है आज से शुरू हो रहा है क्योंकि ओपनिंग ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ जो है वो हो चुकी है और ये हम सबको पता है कि अभी हम सबको लग रहा है कि कोविड का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कैंपेन इसलिए है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे जिस तरह फेज्ड मैनर में लॉकडाउन खुला था अनलॉक की जो प्रक्रिया है एक तरह से अब धीरे धीरे सारी ज़िंदगी जो है नॉर्मल हो गई। आप बाज़ारों में भी देख रहे हैं, आप आसपास भी देख रहे हैं, बट ये हमें जो मानसिक तौर पर हमें कभी भी ये भूलना नहीं पड़ेगा कि कुछ एक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान जो है वो आने वाले टाइम में जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या इसका एक स्थायी समाधान नहीं आ जाता है तब तक हमें रखना पड़ेगा। और उसी के लिए आज जो ये कैंपेन है उसमें 3 बातों पे जो है बल दिया गया है। पहला जो चीज़ है वो है आपका कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें और जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं तो आप अपना मास्क लगा के रखें। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपकी जो संक्रमण की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है बजाय इसके कि आपके बिना मास्क के। दूसरा इसमें हैंड वॉश का है। हैंड वॉश में ये है कि आपको हैंड वॉश में जब भी आपको संभव हो सके तो आपके हाथों से, क्योंकि मेन प्राइमरी कॉन्टैक्ट आपके हाथ है, अगर आप हाथों के माध्यम से जो ये संक्रमण है आपके मुंह से, नाक से, आंखों से या जो भी आपका ये स्थान है जहाँ से आपके अंदर ये वायरस एंटर कर सकता है, तो हैंड वॉश जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग में ये है कि अब मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि हमसे कुछ लोग ऐसे मिल के गए जो बाद में पॉजिटिव हैं, तो कुछ टाइम तक हम भी थोड़ा सा क्वारंटीन अपने आप को रखा, बट अभी तक जो है वो शायद हम इसीलिए उनसे बच पाए क्योंकि हम उनसे 2 तो क्या हम 3-4 मीटर की दूरी पर अपना बनाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सबको भी जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। एक इसका हमने आज से 2 महीने पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग की हैंडबुक चंबा ज़िला की बनाई थी जिसको हमने ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पे डाला हुआ, उसमें हमने 8 या 10 ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे आप एक उसका था कि जीवन जीने के ढंग कोरोना के साथ, तो लिविंग विद कोरोना वायरस नाम की एक हैंडबुक छोटी सी बनाई, आप उसको पढ़ सकते हैं एक आम सरल भाषा में उसको बताया। तो ये चीज़ें हैं और जो इसका टैगलाइन है वो ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक डिनाई। आप आमतौर पर रिंगटोन पे अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में भी सुन रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा अक्षरशः हम सब पालन करें और आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब स्वस्थ रहें। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण दिखे, हम आमतौर पर देख रहे हैं कि लोग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना में ये हमने देखने में आया है कि जब आपका कोरोना संक्रमण थोड़ा एक एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है तो उसके बाद एकदम से आपकी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो आपकी गिरने लग जाती है, उस टाइम जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स के साथ थोड़ा सा आप जो डॉक्टर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा जाके देखें हॉस्पिटल्स में जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि किन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं। जिस टाइम सारी दुनिया जो बचने की कोशिश कर रही है, इनको हर मरीज़ को देखना भी है और कई मरीज़ ऐसे क्रिटिकल आते हैं जो बाद में कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हैं पर उनको उस हालत में नहीं छोड़ सकते, तो डॉक्टर्स जिस तरह से लगे हुए हैं वो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं पॉजिटिव भी आए, उसके बावजूद वो आइसोलेशन में रहने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से अपने काम में, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो अभी भी अपने काम में लगे हैं। तो डॉक्टर्स का भी हम जितना धन्यवाद कर सकें वो कम है। इसके साथ में हमारी जो नर्सेज हैं, हमारे जो सारा मेडिकल स्टाफ है, इन सब ने बहुत मेहनत की है। तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाने में ये लग रहा हो कि वहाँ आपको घर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। यथासंभव जितना हो सके हम होम आइसोलेशन को प्रेफर कर रहे हैं, बट कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को मॉर्बिड कंडीशंस है, एज फैक्टर है, वो जो सरकार के गाइडलाइन है उसके अलावा उसके अनुसार अगर किसी के अंदर कोरोना संक्रमण के बाद जो रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि वो हमारी इंस्टीट्यूशनल जो हमारी फैसिलिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज चंबा है, या तो वहाँ, या तो हमारा अगर कोई सिवियर लक्षण आ जाए तो टांडा मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर करते हैं। तो कई बार हमें सिफारिशें आती हैं कि आप होम आइसोलेशन कर दें और हॉस्पिटल में ना है, तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में आप आते हैं तो आपकी बेटर देखरेख हो सकती है, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर होती है। हाँ, घर जैसी फैसिलिटी हो सकता है आपको 10 या 15 दिन के लिए त्यागनी पड़े, बट आपकी हेल्थ के पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं। और किसी भी तरह की फैसिलिटी आप हमें, मैंने डलहौजी का एक औचक निरीक्षण किया था, तो वहाँ जैसे खाने पीने की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं, वहाँ फ्रूट पैकेट्स जो हैं वो रोज़ जो है फ्रूट्स का किट बनाए हुए हैं वो हम दे रहे हैं। खाने की जितना अच्छी सुविधा हो सकती है, जो सिंपल खाना वो दे रहे हैं। जहाँ पे कई जगह इसकी टॉयलेट्स की शिकायतें आई तो वो एकदम से हमने उनकी रिपेयर करवा दी, और हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आर्य टाइम्स के लिए चंबा से काकू खोखर की रिपोर्ट।